तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है लगा हुआ है बॉर्डर का तार, उसके बाद है फैनी नदी जो कि बांग्लादेश की एक नदी है, और उस साइड जो है वो है बांग्लादेश का रामगढ़। और गाइस इस ब्रिज को देख सकते हैं, ये है इंडो बांग्लादेश मैत्री ब्रिज, इस साइड है इंडिया, वो ब्रिज जा रहा है उस तरफ से, वो क्रॉस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे बांग्लादेश। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। आज है 24th of September 2022। फिलहाल मैं हूँ अगरतला में, नॉर्थ ईस्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे जर्नी करने का इन TRTC यानी त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी त्रिपुरा सरकार की बस। आज की हमारी जर्नी होने वाली है फ्रॉम अगरतला टू इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन सबरूम। सबरूम जो है बेसिकली एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट में आता है त्रिपुरा के। और आज का सुबह जो है काफ़ी ख़राब गया, मैं यहाँ पे आया जस्ट, मैं शेयर ऑटो लेके इसी चौक पे आया, यहाँ पे आया, फिर जो है मेरे को दिखा नहीं कोई बस स्टैंड, क्योंकि गूगल मैप्स में यहाँ पे एक बस स्टैंड मार के और यहाँ पे मुझे कोई बस स्टैंड दिखा नहीं, तो मैंने एक ऑटो वाले को बोला कि मुझे इंटरनेशनल वाले TRTC पे छोड़ दो, क्योंकि मेरे जो बोर्डिंग पॉइंट था ऑनलाइन जो लिखा हुआ था वो था अगरतला TRTC, वो मैप पे ही आ रहा था। फिर ऑटो वाले ने क्या किया, ऑटो वाले ने मुझे बोला कि 50 रुपये लेंगे, तो मुझे थोड़ा ले गए, फिर बोला कि कहाँ जाना है, मैंने बोला सबरूम जाना है, तो सब उन्होंने किया कि एक गली घुमा के जो है मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दिया और 50 रुपये ले लिए। यहीं से मैं चला था, उन्होंने गोल घूम के जो आए यहीं पे ड्रॉप कर दिया, बोला कि सबरूम की बस यहीं से चलेगी। मानने को तैयार ही नहीं थे, मेरे को उधर ले जाने को तैयार ही नहीं थे, बोले कि उधर से सबरूम की बस नहीं चलेगी, सबरूम की बस इधर ही आएगी, इधर से ही निकलेगी। अभी 6 बज गए, कोई बस का अता पता नहीं है, और मुझे पता नहीं बस यहाँ से निकले या फ्लाईओवर से निकले या कहाँ से निकले, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ नहीं। इसी बीच मैंने उस पर भरोसा किया और उसने ये काम किया। एक मॉरल तो मुझे सीखने को मिला पूरा इंडिया घूम के कि ऑटो वालों पे कभी भरोसा नहीं करना, सिर्फ अपने जेब के लिए जो है वो काम करते हैं, आपको एक चीज़ सच नहीं बताएंगे। और दिल्ली में भी ये चीज़ बहुत होती है, मतलब पूरे इंडिया भर में ही बहुत होती है। दिल्ली में तो फुल ट्राई करते हैं न्यू दिल्ली स्टेशन पे या फिर ISBT कश्मीरी गेट पे कि आपको जो है भड़काऊ भड़काऊ बातें करके कहीं और ले जाया जाए। देखते हैं बस का वेट करते हैं, अगर इन द केस हम TRTC में ट्रैवल नहीं कर पाते तो अपन ट्रैवल करेंगे इन प्राइवेट बस। काफ़ी ख़राब हो गया है ये सुबह फालतू में, क्योंकि मेरा मोटिव था कि 7 स्टेट्स की सरकारी बसें दिखाऊं और शायद ये एक ही बस चलती है TRTC की बिटवीन अगरतला एंड सबरूम, बाकी शायद प्राइवेट बसेज है, तो अगर नहीं हो पाए तो चलो एटलीस्ट मैं प्राइवेट बसेज में ही जर्नी दिखा दूंगा आपको। और इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, सो इस वीडियो को अंत में छोड़ के मत जाइए। एक और बात रहता है कि जर्नी से पहले मैं हमेशा चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है टाइम मिल जाए फोटो लेने का या अच्छे से वीडियो लेने का, इसलिए मैं फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट चूज़ करता हूँ। अभी अगर बस कहीं से चल के आए और यहाँ पे भी मुझे ले यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिलेगा कुछ फ़ोटो लेने का या कुछ वीडियो लेने का, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा स्पेशली इस जर्नी में, क्योंकि कोई भी रेस्ट स्टॉप नहीं है, तो बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएगी मेरी जर्नी। जो भी है, जर्नी को शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आपको लाइव चैट में टाइप करना है। आज का हमारा सवाल ये है कि त्रिपुरा का स्टेट बर्ड क्या है, आप कमेंट में फटाफट बताइए, शुरू करते हैं जर्नी को। वैसे बात करें अगरतला के वेदर का तो वो फिलहाल तो काफ़ी सही लग रहा है, मगर दिन में जो है गर्मी होती रहती है, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी हो रहा है 27 डिग्री के आसपास, सुबह के जो है 6 बज रहे हैं। वैसे बस लोगों ने बोला कि यहीं पे आएगी बस जो है, वो प्रोबेबली एक AC इलेक्ट्रिक बस है, अब आने के बाद ही मैं कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि ऑनलाइन कुछ लिखा हुआ नहीं है। बट एक बात है, आज अपन डिस्टेंस कवर करेंगे 130 किलोमीटर्स के आसपास फ्रॉम अगरतला टू सबरूम, रूट हो जाएगा आपको वाया उदयपुर, और ऑनलाइन टाइम जो दे रखा है वो 2 घंटे का दे रखा है, सिर्फ 2 घंटे, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर, मतलब रोड काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक्सपेक्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे जर्नी का, बस को आने दीजिए, आपको एंट्रेंस दिखाते हैं। तो बस हमारी आ चुकी है 6:35 पे और बस चलती है TRTC कृष्णा नगर बस स्टैंड से, मतलब वही जो मैंने ऑटो वाले को बोला था कि मुझे वहाँ पे छोड़ दो, पर वो लेके नहीं गया, बोला घुमा के मतलब यहाँ पे लेके आया और 50 रुपये ले लिए। बस के टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अगरतला से 6:30 बजे चलती है, पहुँच जाती है सबरूम 10 बजे। बस के बारे में बता दूँ, देखिए मेरा सीट जो है फेसिंग टुवर्ड्स द बैक है, ये बहुत ही एक ख़राब चीज़ हो गया, मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए बस बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा है, टाटा की बस है और ये कुछ सिटी बस जैसा ही है, मगर मैं कहूँगा कि AC बस चलाए इस रूट पे, वो काफ़ी अच्छा है, मैं इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करूँगा TRTC गवर्नमेंट का। और इस बस की रिटर्न टाइमिंग है सबरूम से वापस दोपहर को 2 बजे, कुछ 3-3.5 घंटे का सफ़र है बस। देखना ये कि बस बीच में कहीं रुकती कि नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर का सफ़र है। एक्सपेक्ट तो करता हूँ कि एक छोटा सा वॉशरूम ब्रेक तो देना चाहिए।
जर्नी काफी अच्छी चल रही है, टू लेन रोड से दोनों तरफ जो है आपको टी गार्डन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और एक सच बात बताऊंगा, दोनों तरफ जो है भरपूर ग्रीनरी है। इनफैक्ट मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितनी कम बिल्डिंग्स है, जितनी कम फैक्ट्रीज है, जितनी कम ऑफिस है, उतनी ज्यादा ग्रीनरी जो रहेगी। फेयर की बात करें दैट इज 160 रुपीज। अपन अभी पहुंच गए हैं विशालगढ़, और यहाँ पे एक जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है सेपा हिजेला जू, वो आपको यहाँ से निकलने के बाद प्रोबेबली मैं दिखा सकता हूँ। अभी पहुंच गए हैं विश्रमगंज पे, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस के लिए रास्ता निकलता है, वो है नीर महल। ये जो है बेसिकली जयपुर के जल महल जैसे हो गया, मतलब एक पूरा पानी का जो है पॉन्ड टाइप सा है, उसके वहाँ पे बोट से आप जा सकते हैं, पैलेस देख सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो काफी जो है अच्छा प्लेस है, अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से शायद थोड़ा सा दूर है। और बाकी और भी टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उदयपुर में भी काफी अच्छी जगह है, तो अपन जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आप अगर प्लान कर रहे हैं त्रिपुरा का कोई ट्रिप तो इस वीडियो को मिस मत करिए। अभी पहुंच गए हैं उदयपुर, और उदयपुर नाम सुनते ही पता चलता है कि उदयपुर तो बहुत जगह है, राजस्थान में भी है, हिमाचल में भी, आसाम में भी है। उदयपुर भी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पे एक बहुत फेमस टेंपल है जो लोग देखने के लिए आते हैं, वो है त्रिपुरा सुंदरी टेंपल। कुछ जो यहाँ पे पार्क है, एक जो इसमें साइंस सिटी है और एक जो है काफ़ी एंशियंट राजबाड़ी है। तो उदयपुर का अगर ट्रिप प्लान करें तो आपका हाफ डे में जो है कवर हो जाएगा। और टाइम हो रहा है सुबह के 8, टाइम एक्सपेक्टिंग अपन 10 बजे तक जो है सब रूम पहुँच जाए। दिस इज नेशनल हाईवे 8, ये शिलोंग से जो है सबरूम जाती है वाया अगरतला, और रोड आप देख सकते हैं, रोड जो है ज़बरदस्त, ये बात आपको माननी पड़ेगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम एंटर हो गए हैं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में,
फ्रॉम गोमती, और अभी हमने जस्ट क्रॉस किया बीड चंद्रनगर। वेलकम टू सब रूम। अभी टाइम हो रहा है 10:13। अभी अपन जाने वाले हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। एक बॉर्डर भी दिखाऊंगा, फेनी नदी दिखाऊंगा, उस तरफ रामगढ़ है बांग्लादेश का, रामगढ़ वो दिखाऊंगा, और एक ब्रिज दिखाऊंगा, इंडो बांग्लादेश मैत्री ब्रिज। फिलहाल देख सकते हैं ड्रॉपिंग पॉइंट कुछ बस स्टैंड जैसा नहीं है, मतलब नॉर्मल एक जगह पर उतार दिया। एक्सपीरियंस की बात करें, देखिए अगर आपको अगरतला से बांग्लादेश जाना है या फिर जाना है कोई टूरिस्ट स्पॉट पे जो मैंने आपको रास्ते में बताया, तो आप ये बस यूज़ कर सकते हैं। एसी बस है यार, बहुत कन्वीनियंट है। सुबह 6:30 चलता है, यहाँ से दोपहर को 2 शायद चल जाएगा। एक सीक्रेट बताऊंगा, आज की ये जर्नी मैंने करी 120 किलोमीटर की सिर्फ 1 रुपये में, वो भी एसी बस में। अब पता नहीं ये कोई ग्लिच है या क्या है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बुक किया था तो तब मुझे 1 रुपये चार्ज किया। मैंने सोचा कि चलो ये अकाउंट चेक कर रहे हैं या कुछ वेरीफाई कर रहे हैं या फिर सिर्फ रिजर्वेशन का चार्ज ले रहे हैं, बस में जो है बाकी फेयर ले लेंगे, बट कुछ नहीं, सिर्फ 1 रुपये में मैं आया 120 किलोमीटर। ज़बरदस्त भाई, ये ग्लिच है कि क्या है मुझे नहीं पता, या ऐसा ही सिस्टम है या फिर पहला टिकट 1 रुपये का मिलता है ऐसा मुझे पता नहीं, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर आप नहीं मानते कि मैंने 1 रुपये में जर्नी की सचमुच में, तो आप स्क्रीन पे दिए स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये पेटीएम से मैंने पे किया, TRTC को, त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ऑनलाइन आप भी बुक करके देखिए, क्या पता भाई आपके भी जो है 1 रुपये में यार मज़े हो जाए। यार 1 रुपये में यार बहुत सही है, ये तो ट्रेन से भी सस्ती होगी, वो भी एसी बस में। चलिए चलते हैं बॉर्डर देखने। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है लगा हुआ है बॉर्डर का तार, उसके बाद है फेनी नदी जो कि बांग्लादेश की एक नदी है, और उस साइड जो है वो है बांग्लादेश का रामगढ़। वो और रामगढ़ का सबसे नज़दीकी सिटी, कोई भी बड़ा सिटी हो गया, वो है चिटागोंग। मतलब एकदम साउथ बांग्लादेश से अगर आप आ रहे हैं तो उस साइड से आप देख भी सकते, इस साइड जो है चिटागोंग, कॉक्स बाजार, ये सब हो गया। जो बांग्लादेश से व्यूअर्स देख रहे हैं उनको हेलो, आप भी उस साइड से हाथ हिला दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और गाइस इस ब्रिज को देख सकते हैं, ये है इंडो बांग्लादेश मैत्री ब्रिज। इस साइड है इंडिया, वो ब्रिज जा रहा है उस तरफ से, वो क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बांग्लादेश। इमिग्रेशन वगैरह पता नहीं चल नहीं रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा ब्रिज पे। देख सकते हैं ये है इमिग्रेशन का चेक पोस्ट, और उस तरफ एकदम है बांग्लादेश। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मुझे भूख बहुत लग रही थी तो मैंने फटाफट 2 प्लेन डोसा खा लिया 40 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा दुकान था, साउथ इंडिया करके कुछ सर्च कर लीजिएगा। एक अजीब चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पे ना कुछ दुकानों में बॉटल में पेट्रोल रखा हुआ, बाइक वाले वो ले रहे हैं और डलवा रहे हैं। मुझे पहले लगा था कि चलो पेट्रोल पंप शायद नहीं होगा, पर मैंने सर्च करके देखा कि 1-2 किलोमीटर दूर जो है एक,
मुझे आइडिया नहीं इस बात का कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, बट इतना मेरा गैस हो सकता है कि जो पेट्रोल है वो शायद बांग्लादेश से आ रहा है और थोड़ा सा कम प्राइस पे बिक रहा है, हो सकता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 6 में। एपिसोड 6 में मैं आपको दिखाऊंगा सबरूम से अगरतला की डेमो ट्रेन जर्नी, मतलब लोकल ट्रेन जो कि डीजल से चलती है, वो भी रूट बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरी ट्रेन है 1:15 पे और अभी सुबह के 11 बजे, तो देखते हैं कैसे टाइम पास करें क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर व्लॉग नहीं बनाना होता तो मैं तो बस से जो है चले जाता, मगर मुझे ट्रेन का व्लॉग भी आपको दिखाना है, तो सोच लीजिए आपको ट्रेन का व्लॉग देखना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।